So welcome back learners. Today we are going to discuss about the first chapter of supplementary book of class 6th, A Pact of the Sun. The name of the first chapter is A Tale of Two Worlds. Tale means it's a story. So first we will read about the three sub points. A mother bird and her two young ones live in a forest. The mother was killed in a storm and the young birds were separated from each other. Each found a different home. So let's begin with the very first paragraph. There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. They had a nest in a tall shady tree, and there the mother birds took care of her little ones day and night. तो होता क्या है कि एक पेड़ रहता है, बहुत बड़ा घना पेड़ रहता है, वहाँ पे दो नए बच्चे रहते हैं, एक जो न्यू बॉर्न बेबीज रहते हैं, एक छोटे से पेड़ पे दो पक्षी रहते हैं, एक पक्षी के दो बच्चे रहते हैं, देन अरेज उनका लंबे पेड़ पे एक घोंसला रहता है, और जो पेड़ जो रहता है बहुत ही घना रहता है, और उसकी जो माँ है वो बहुत अच्छी तरीके से उनकी दिन और रात जो है उसकी ख्याल रखती हैं. वन डे देर वॉज अ बिग स्टॉर्म, देर वॉज अ थंडर लाइटनिंग इन द रेन एंड द विंड ब्लू डाउन मेनी ट्रीज, द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लाइव आल्सो कम डाउन. तो क्या होता है कि एक दिन बहुत तेज हवा चलती है, तूफान आता है, बिजली कड़कती है, लाइटनिंग बारिश होती है, और बहुत तेज हवा चलती है जो कि कई सारे पेड़ों को गिरा देती है. तो होता क्या है कि द टॉल ट्री, जो बड़ा पेड़ रहता है, उसके पेड़ पे जो बच्चे रह रहे होते हैं वो दोनों आके नीचे गिर जाते हैं. अब बिग हैवी रेन ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल द बर्ड. अब जो एक बड़ी जो ब्रांच रहती है वो उस पेड़ से टकरा जाती है, जो नेस्ट जो घोंसला रहता है वो नीचे जाता है, और उनकी जो माँ थी उनकी डेथ हो जाती है. फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट. वन ऑफ देम कम डाउन नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रोवर्स लाइव, द अदर लैंडेड आउटसाइड द ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे. होता क्या कि जब बहुत तेज हवा चलती है तो जो जब जो जो घोंसला गिरता है हवा, वो दोनों पक्षियों को अलग अलग कर देती है. पहला जो पक्षी रहता है वो ऋषि के आश्रम के पास जाके गिरता है, और दूसरा जो पक्षी रहता है वो एक गुफा के पास गिरता है. यहाँ पे गैंग्स ऑफ रॉबर्स, जो डकैत लोग जो रहते हैं, चोर जो रहते हैं, उनके पास, उनकी गुफा के जाके पास, उनकी गुफा के पास एक पक्षी जो है गिर जाता है. डे पासिस एंड द बेबी बर्ड्स बिकम अ बिग बर्ड्स. कई लंबे समय गुजरता गया और जो बच्चे थे वो बड़े हो चुके थे. वन डे द किंग ऑफ द कंट्री कम टू द फॉरेस्ट टू हंट. ही सॉ अ डियर एंड रोड आफ्टर इट. It ran deep into the forest, followed by the king. Soon the king lost his way and did not know where he was. तो होता क्या है कि कई दिन गुजर गए और जो बेबी बर्ड्स हैं वो बड़े हो चुके हैं. तो एक बार क्या होता है, एक राजा जो है जंगल में आता है शिकार करने के लिए. इस डियर वो हिरण को देखता है. उसके बाद इट रेन डीप, उसके बाद बहुत तेज बरसात होने लगती है, फॉलोड बाय द किंग. सोन किंग लॉस्ट, उसके बाद बहुत तेज बारिश के कारण जंगल में वो अपना रास्ता खो चुका होता है. ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल ही कम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट. वेरी टायर्ड बाय नाउ ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड सेट डाउन ऑन द ट्री दैट स्टूड नियर अ केव. सडनली ही हियर्ड अ वॉइस क्राई आउट, क्विक हरी अप, देयर इज अ समवन अंडर द ट्री, कम एंड आस्क, कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, हरी योर हेल्थ, ही विल स्लिप अवे. द किंग वॉज अमेज्ड, ही लुक अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर द विच ही वॉज सिटिंग. ही ऑल्सो हियर्ड फेंट नॉइजेस इशूइंग फ्रॉम द केव. ही क्विकली गॉट ऑन हिज हॉर्स एंड रोड अवे एज अ फास्ट एज ही कुड. तो होता क्या है कि जंगल में जो राजा है वो भटक जाता है, और जब जंगल के कोने में पहुँच जाता है, वो थक जाता है, तो वहाँ एक पेड़ के नीचे जाके वो बैठ जाता है. तो उसको सडनली एक आवाज़ आती है, क्विक हरी अप. वो एक आवाज़ आती है, तो वो देखता है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है. तो वो देखता है कि एक जो ब्राउन कलर का जो बर्ड है वो ऊपर बैठे चिल्ला रहा था कि जल्दी आई, एक जो है एक आदमी यहाँ पे एक बैठा हुआ है, जो है उसके जो ज्वेलरी है ले लीजिए, और जो उसका घोड़ा है उससे छुड़का लीजिए. उसके पास वो देखता है कि पास में एक केव है, वहाँ से जो है ऐसी हल्की सी आवाज़ भी आ रही थी. उसने क्या किया, तो उसने जो राजा रहता है वो तुरंत घोड़े पर बैठा और आगे चल दिया. Soon he come to the clearing which looked like a ashram. It was at the Rishi's ashram. The king tied his horse and tree and sat down and said. Suddenly he heard a gentle voice announce, "Welcome to the ashram, sir. Please go inside and rest. The Rishi will be back soon. There is some cold water in the pot. Please make yourself comfortable." The king looked
looked up and saw a big brown bird in the tree. He was amazed. This one looked like other birds outside the cave, he said to himself loudly. तो कह रहता है जब राजा चल के जब आगे पहुंच जाता है तो वो खुद को देखता है और पहुंच जाता है तो एक पेड़ के नीचे जाके वो ऋषि के आश्रम के पास पहुंच जाता है। पेड़ के पास पहुंच के तो उसको एक आवाज़ आती है कि वेलकम टू द आश्रम, आश्रम में आपका स्वागत है, प्लीज़ सर आप अंदर रेस्ट कीजिए, कुछ ही देर में ऋषि वापस आते होंगे, वहीं एक मटके में ठंडा पानी है, आप उसको पी लीजिए और आप आराम कीजिए। तो जो राजा रहता है वो देखता है ये तो उसी तरीक़े से जो पक्षी है बिल्कुल उस जैसा ही दिखने में पक्षी है और ही सेड, उसने अपने मन में कहा ये यू आर राइट सर, आंसर द बर्ड, उसने ही इज़ माय ब्रदर बट ही इज़ मेड फ्रेंड्स विद रोबर्ट्स, ही नाउ टॉक्स एज द डू, ही डज नॉट टॉक मी टू मे एनी मोर, जस्ट देन ऋषि एंटर द आश्रम। तो जब राजा को लगता है कि ये तो वही उस जैसे ही पक्षी है तो जो पक्षी रहता है बोलता है हाँ आपने बिल्कुल सही पहचाना, वो मेरा भाई है, लेकिन हम दोनों ज़्यादा नहीं बोलते, हमारे बीच में बिल्कुल बात नहीं होती क्योंकि जो पक्षी है वो रोबर्ट्स की गैंग के साथ उसने जो है दोस्ती कर ली है। इतने में जो है आश्रम में ऋषि आ जाते हैं। वेलकम सर ही सेड टू द किंग, जो कहते हैं ऋषि रहते हैं उन्होंने राजा का वेलकम किया, प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम, उसने बोला कि आप अंदर आइए और आराम कीजिए, यू लुक टायर्ड रेस्ट ऑफ फॉर वाइल देन यू कैन शेयर माई फूड, आप थोड़ा आराम कीजिए उसके बाद हम साथ में खाना खाएंगे, ऐसा राजा से कहता है ऋषि। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स एंड हाउ ईच बिहेव्ड फ्रेंडली टू दे लुक सो लाइक द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइज ही सेड। तो जो राजा रहता है उन दोनों पक्षियों की कहानी जो है उनको राजा को जो ऋषि रहता है वो दोनों पक्षियों की कहानी सुनाता है और वो कहता है कि ये जो जंगल है वो फुल ऑफ सरप्राइज है, यहाँ पे कई सारी जो चीज़ें हैं वो अमेज हैं, आश्चर्यचकित हैं। द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड, जो ऋषि रहता है वो स्माइल करता है, कहता है आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, मीन्स जो जैसा रहता है उसी के साथ वैसा हो जाता है। इसमें कुल मिला के जो है संगति की बात करती गई है, करी गई है, जैसे आप संगति में रहोगे वैसे ही आपके साथ आपका नेचर बनेगा। दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हियर द टॉक ऑफ रोबर्ट्स, ही इमिटेट्स देम एंड टॉक अबाउट द लविंग पीपल, जो एक पक्षी रहता है उसने हमेशा छोरों की बात सुनी और उसने उसी की नकल की और जैसा ही वो बन गया, जबकि जो अदर पक्षी है द वन हैज़ रिपीटेड इट सो ऑलवेज हियर द He welcomes people to the ashram. Now come inside and rest. I will tell you more about this place and these birds. तो दूसरा जो पक्षी रहता है उसने जैसा सुना ऋषि से जो सुना उसने वैसा ही किया और वैसा ही बन गया, लोगों को वेलकम करने लगा। तो ऋषि जो रहते हैं वो कहते हैं कम इनसाइड, आप आराम कीजिए, मैं आपको और भी कई कहानी सुनाऊँगा इन पक्षियों के बारे में। तो लर्नर्स गाइज, आई होप आपको ये लेसन जो है समझ में आया होगा, और आप चाहते हैं कि इसके क्वेश्चन आंसर भी हम डिस्कस करें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे, आपको मैं नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, आपको जो है नोट्स में प्रोवाइड करूँगा, आप यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड एंड यू विल बी एबल टू राइट वेरी इजिली ऑन योर एग्ज़ाम। थैंक यू।